आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चावल और आलू की ऐसी रेसिपी जो कि स्ट्रीट फूड है और बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत पसंद की जाती है और बहुत आसानी से भी बनके तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं जो कि 2 कप है और ये बासमती राइस है। तो सबसे पहले हम चावल को वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद चावल को 15 मिनट के लिए पानी से भिगो कर रख देंगे। जब तक ये चावल भीग रहे हैं आलू देख लेते हैं। यहाँ पर लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू जिसके छिलके उतार लिए हैं और इन्हें पानी में रखा हुआ है। ये आलू की एक जरूरी टिप होती है, जब भी आप आलू को छील कर रखें तो उसे पानी में रखना चाहिए ताकि वो काले ना पड़े। और आलू हमें ऐसे लच्छेदार चाहिए तो इसलिए ग्रेटर का मैंने मोटा वाला पार्ट इस्तेमाल किया है। तो आलू को मैंने जिस पॉट में ग्रेट किया है उसमें भी पानी था और पानी में ही हम आलू को ग्रेट करके इस तरह से अब छलनी में डाल देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो बस 10 मिनट में ये आलू का सारा पानी निकल जाएगा, तब तक हम इसे इस तरह से इसे छलनी में रखे रहने देंगे। और यहाँ पर एक पॉट लिया है उसमें डाल दिया है मैंने पानी 3 ग्लास के समथिंग और नमक डाल दिया है 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें डाल दिए हैं भीगे हुए चावल। चावल को यहाँ पर हमें 90% तक कुक कर लेना है। तो कुछ ही देर में ये 90% चावल कुक हो जाएंगे। ये देखिए सारे चावल को हम डाल देंगे एक छलनी में ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और इसे रख देंगे एक साइड में। तब तक देख लेते हैं आलू। तो यहाँ पर आलू का सारा पानी जो है वो निकल चुका है। तो अब हम आलू में डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून के अराउंड काली मिर्च का पाउडर, 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। मिक्स करेंगे लेकिन यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये देखिए यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये इस तरह से बॉल की शेप में आने लगेगा। तो बस ये हमारे इस तरह से आलू के बॉल जो हैं वो हम बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था जिसमें ये सारे आलू के बॉल्स डाल देंगे। यहाँ पर एक टिप जरूरी है कि पहले हमें ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और जब हम आलू के बॉल्स इसमें डालें तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इससे क्या होगा कि आलू की जो बॉल्स हैं वो बाहर से क्रिस्पी बनेंगी और अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में लेकिन आपको ये प्रोसेस पेशेंस के साथ करनी है, हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो ये बाहर से बहुत क्रिंची हो जाएंगे, तो इन सारी बॉल्स को हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए बॉल जो है ना वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल और उसी में डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली है और इनको फ्राई कर लिया है जब तक कि लहसुन और अदरक जो है ना वो गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते। तो जैसे ही यहाँ पर लहसुन अदरक का कलर चेंज होने लगेगा तो यहाँ पर हम हरी वाली प्याज का व्हाइट वाला पार्ट डाल देंगे, थोड़े से बीन्स डाल देंगे, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। सारी चीजों को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहे। इसी के साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया हरी प्याज का हरा वाला पार्ट और इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। मिक्स करेंगे सारे सॉस को अच्छी तरीके से और 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद जो चावल हमने तैयार करके रखे हुए थे वो चावल इसमें डाल देंगे और 2 स्पैचुला की मदद से इस तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे। तो जी हाँ, ये हमारे राइस बनके तैयार हो गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार हो गए हैं। इसे हरी प्याज से गार्निश कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में डाल दिया है ऑयल 1 टेबल स्पून के अराउंड और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च डाल दी है और इन चीजों को हाई फ्लेम पर फ्राई किया है जब तक कि अदरक और लहसुन ब्राउन नहीं हो जाते। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे यहाँ पर अदरक लहसुन ब्राउन हो जाते हैं ना तो इसमें हम डाल देंगे हरी वाली प्याज का व्हाइट पार्ट, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स और इनको भी हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर ताकि इनका क्रंच बना रहे। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। जैसे ये 1 से 2 मिनट के अंदर फ्राई हो जाती हैं हम इसमें डाल देंगे डार्क सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो कैचअप और मिक्स करेंगे सारे सॉस को अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के अराउंड पानी डाल दिया है और लास्ट में डाल दिया है 1 टेबल स्पून विनेगर। और विनेगर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का ये घोल, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है जिसे मैंने पानी में डाल के घोल लिया है और ये इसमें डालने के बाद जैसे ही पानी में बॉईल आ जाता है इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब जो बॉल हमने आलू के बना के रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे और सॉस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
तो ये हमारी आलू वाली मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मैंने इसे बनाया है और थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया है। लास्ट में मैंने इसमें ना आधा टेबल स्पून नमक डाला है। पहले नमक को ऐड नहीं किया था क्योंकि सॉसेस में नमक होता है, तो आप यहाँ पर नमक का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करिएगा। हरी प्याज से गार्निश कर दिया है। तो ये हमारी आलू मंचूरियन बनके हो गई है तैयार। तो सबसे पहले हम सर्व कर लेते हैं फ्राइड राइस को और हरी प्याज से इसे गार्निश कर देते हैं, और उसके बाद ये आलू वाली मंचूरियन को भी सर्व कर लेते हैं और इसे भी हरी प्याज से गार्निश कर लेंगे इस तरह से। और ये आलू मंचूरियन और फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत बढ़िया लगता है, जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।